हेलो गाइस, दिस इज मोना। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, आज मैंने नए एक्सटेंशन करवाया है, सो उसका ब्लॉग मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड मेकअप स्पेशल और राखी में मार्केट में क्या क्या आया है, तो वो ब्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। सो वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो दिस इज स्टार्टेड। सो गाइस, आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं मेकअप के प्रोडक्ट शेयर करूंगी और ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। सो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे नेल पेंट्स हैं, और जितने सारे आप नेल पेंट्स देख रहे हो कलरफुल, ये जस्ट 20 रुपीज़ करके हैं, और बहुत सारे न्यू न्यू कलर के भी हैं। सो मैंने 2 परचेस किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे न्यू न्यू मेकअप के प्रोडक्ट आए हुए हैं। सो गाइस, आप देख सकते हो इसमें से मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स परचेस किया है, और इसमें से मेकअप फिक्सर एंड यहाँ पे मैं आपको एक ब्लैक ग्लिटर दिखाने वाली हूँ आई शेडो। ये बहुत अच्छा लग रहा था, सो मैंने इसे परचेस किया। ये 50 रुपीज़ बोल रहे थे, बट मुझे ये 30 रुपीज़ में मिल गया। नेक्स्ट जो है गाइस, आप देख सकते हो ये सिज ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है। एंड नेक्स्ट जो है गाइस, ये ग्लो रोज गोल्ड का हाइलाइटर पैलेट है, जो कि इसमें 4 कलर्स हैं। मैं आपको इसे ओपन करके दिखा रही हूँ। सो आप देख सकते हो इसको मैं अच्छे से ओपन करके आपको दिखाती हूँ लगा करके अपने हाथों में, और आप देख सकते हो गाइस इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है एंड बहुत ही ग्लोइंग है। और इसका प्राइस 280 करके था, बट इसे आप परचेस करोगे तो इसका प्राइस 250 में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है ये ग्लैम 21 का है, इसमें भी 4 कलर्स आप देख सकते हो। और ये हाइलाइटर गाइस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये भी हाइलाइटर परचेस किया है, आप देख सकते हो। और इसका प्राइस 350 करके बोला, बट मुझे ये 280 में मिल गया। आप देख सकते हैं इसका बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन, आप देख सकते हो। लुक एट दिस गाइस। सो नेक्स्ट मैं आपको लिप ग्लॉस दिखाने वाली हूँ। ये स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस है, मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ, और ये बहुत ही ग्लॉसी है, आप देख सकते हो। ये आपको सामने से कैमरा में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये बहुत ही अच्छा है। सो अब मैं आ गई हूँ नेक्स्ट शॉप, आप देख सकते हो गाइस, और ये लिप ग्लॉस का है, और इसका प्राइस 100, बट ये कुछ खास नहीं था। आप देख सकते हो इसकी पिगमेंटेशन ग्लॉसी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे कुर्तीज एंड यहाँ पे सलवार सूट पीस आए हुए हैं राखी स्पेशल लेकर के। आपको मैं अच्छे से इसका वीडियो दिखा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल के कुर्तीज हैं। और गाइस आप देख सकते हो ये सेट है, यहाँ पे आपको सलवार सूट एंड दुपट्टा के साथ मिलेगा। सो इसका प्राइस 700 करके है। आप अगर इसे परचेस करोगे तो ये आपको 550 में मिल जाएगा। और बहुत सारे यहाँ पे कलर्स वाइज आए हैं दुपट्टास एंड सूट्स, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो है ये बैग कलेक्शन है, यहाँ पे मैंने बैग पैक परचेस किया था, और यहाँ पे कुछ खास कलेक्शन नहीं थे, और यहाँ पे जस्ट थोड़ा बहुत बैग का कलेक्शन था, आप देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे ज्वेलरी का कलेक्शन है। यहाँ पे आपको ऑक्सीडाइज सिल्वर गोल्डन में आपको अच्छा अच्छा राखी का लेकर के ज्वेलरी आया है। मैं आपको सामने से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे झुमका एंड ईयर रिंग नेकलेस नेकसेट यहाँ पे आया हुआ है। और यहाँ पे बहुत सारे न्यू न्यू ट्रेंड के न्यू न्यू डिज़ाइन के झुमका ईयर रिंग कलेक्शन आया हुआ है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे हेयर क्लिप्स क्लेचर एंड हेयर बैंड्स का कलेक्शन है, एंड यहाँ पे टैडी का कलेक्शन है। टैडी सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने 1 परचेस किया था।
और इसके बाद हम लोग चलेंगे श्रीराम मॉल के अंदर, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मेरा नेल एक्सटेंशन करवाना है, सो मैं इसका पूरा वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं। और मैं आ गई हूँ श्रीराम मॉल के अंदर। अब तो चलिए नेल एक्सटेंशन मैं आपको दिखा रही हूँ। सो मेरा यहाँ नेल लगाना हो गया है, आप देख सकते हो ये इक्वल हो रहा है मेरा नेल। मैं आपको अच्छे से शॉप दिखा दे रही हूँ। ये स्टाइलिश फिक्स फैमिली सैलून है, यहाँ पे आपको सैलून भी मिल जाएगा, जैसे कि आप अपना हेयर स्पा एंड हेयर स्ट्रेट भी करवा सकते हो। और यहाँ पे सभी लोग नेल एक्सटेंशन करवा रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत गर्मी है इसलिए मैं इसके अंदर आ गई हूँ। और अब मेरा यहाँ पे अच्छे से नेल पेंट्स लग गया है, जो कि मैं इसे अच्छे से ड्राई कर रही हूँ। और गाइस मैंने ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए गाइस मैं अच्छा डिज़ाइन नहीं बना पाई, जस्ट ये सिंपल ही डिज़ाइन बनाना पड़ा मुझे और मैं आपको दिखा रही हूँ। सो गाइस नेल पेंट्स के काफ़ी कलर्स थे बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने ये पीच कलर सेलेक्ट किया, आप देख सकते हो। और ये मेरे नेल्स में फाइनली ये मेरा नेल्स कंप्लीट हो चुका है, जस्ट ये लास्ट में जो कोटिंग होता है ये डबल कोटिंग। सो फाइनली मेरा ये नेल एक्सटेंशन कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा लग रहा था। सो आज का था मेरा ये वीडियो, और वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।